भारत की करीब 65% आबादी कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों से जुड़ी है, जिनमें प्रमुख है डेयरी उद्योग। गाय भैंसों को पालने की परंपरा हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से रही है। किसान गाय को दुग्ध उत्पादन के साथ साथ खाद, ग्रामीण परिवहन, सिंचाई आदि के लिए भी पालते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आय का मुख्य साधन है। दुधारू पशु को पालकर किसान उनसे प्राप्त ईंधन, दूध व पशु को बेचकर धन कमाते हैं। पशुपालकों की मेहनत के कारण आज भारत दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले नंबर पर पहुंच गया है। दूध उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का होना आवश्यक है और साथ ही साथ इन दुधारू पशुओं की सही देखभाल भी बेहद जरूरी है। भारत में पूरे विश्व की कुल 15% गायें व 51% भैंसे हैं। देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 50% भाग भैंसों से और बाकी का गायों से प्राप्त होता है, जिसमें संकर नस्ल की गायों का योगदान करीब 22% है। डेयरी फार्म में अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं के साथ साथ उनका उचित प्रबंधन, आवास, पोषण आदि भी अति महत्वपूर्ण है। डेयरी फार्म में अच्छी नस्ल के देसी या संकर नस्ल के पशु रखे जा सकते हैं। पशुओं का चयन लागत व जलवायु आदि पर निर्भर करता है। देश में पशुपालक पशु के पोषण एवं प्रजनन पर तो ध्यान देते हैं, साथ ही साथ आवास व्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सामान्यतः नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत में जलवायु की भिन्नता रहती है, इसीलिए यहाँ पशुओं को प्रतिकूल मौसम के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए उचित आवास की आवश्यकता होती है। वर्षा व तापमान आदि का प्रभाव पशु के उत्पादन पर सीधे तौर पर पड़ता है, इसीलिए इसके आधार पर देश को विभिन्न पशुपालन क्षेत्रों में बांटकर अलग अलग पशु आवास व्यवस्था विकसित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80% से भी अधिक पशुपालक स्वयं के रहने के स्थान के निकट ही पशुओं को रखना पसंद करते हैं, ताकि पशुओं की देखभाल आसानी से की जा सके। पशुओं को बाड़े यानी पशु घर में रखा जाता है और ये पशुओं की संख्या तथा खेतीबाड़ी के स्तर पर निर्भर करता है कि पशु घर कैसा होगा। सामान्यतः पशु को रखने के लिए दो व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, पहली खुली आवास व्यवस्था तथा दूसरी बंद आवास व्यवस्था। डेयरी पशुओं के लिए खुली आवास व्यवस्था उचित मानी जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पशुओं को खुले क्षेत्र में रखा जाता है, हालांकि इसमें थोड़ा स्थान ढका हुआ भी होता है, जिसमें ज्यादा तेज धूप, बारिश आदि में पशु आश्रय ले सकें। खुली आवास व्यवस्था में पशु को घूमने फिरने व चारा पानी या आश्रय आदि की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस व्यवस्था में अधिक पशुओं का प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। खुली आवास व्यवस्था में निर्माण लागत भी कम आती है। खुली आवास व्यवस्था में चारा खिलाने तथा पशुओं की देखभाल के लिए श्रम लागत भी कम लगती है। इस व्यवस्था में ये आवश्यक है कि पशु सींग रहित हो। बंद पशु घर में पशुओं को पंक्तिबद्ध रूप में रखा जाता है। बंद पशु घर का फर्श सीमेंट का बना होना चाहिए और इसमें गोबर मूत्र की निकासी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
बंद पशु घर का डिजाइन हवादार होना चाहिए। आमतौर पर पशु घर में पशुओं को मुंह से मुंह या पूंछ से पूंछ व्यवस्था में रखा जाता है। मुंह से मुंह व्यवस्था में पशुओं को चारा खिलाने के लिए बनी संरचना मेंजर यानी चरनी पशु घर के बीचों बीच होती है और इसके दोनों ओर पंक्ति में पशु खड़े होते हैं, यानी उनके मुंह आमने सामने होते हैं। पूंछ से पूंछ आवासीय व्यवस्था में पशु घर की दीवारों से सटी हुई मेंजर होती है। ये मेंजर दोनों ओर की दीवारों पर बनी होती है, जिसमें जब दोनों ओर के पशु आहार ग्रहण करते हैं तो उनकी पूंछ आमने सामने होती है। इस व्यवस्था में चारा डालने में तो अतिरिक्त श्रम लगता है, लेकिन गोबर व मूत्र आदि की सफाई में आसानी होती है। पशु घर में ग्याभन पशुओं, बछड़े बछिया आदि के लिए, बीमार पशुओं के लिए तथा सांड आदि के लिए अलग से आश्रय होना चाहिए। आवास की सही व्यवस्था होने के बाद अब जरूरत होती है सही प्रबंधन की। किसी बछड़े या बछिया के पैदा होने के तुरंत बाद ही उस पर पहचान चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे पशु का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। पहचान के लिए पशु के कान में टैगिंग, गोदना, नंबरों के टैग, ब्रांडिंग आदि की जाती है। डेयरी फार्म में नए लाए गए पशुओं की आयु का निर्धारण अति आवश्यक होता है। आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। जब कोई पशु जवान होता है तो 2.5 साल तक की उम्र में वो जाके जो है 2 दांत बन जाता है। पहले मिल्क टीथ होती है, दूध के दांत होते हैं। उसके बाद जब वो 2.5 साल की उम्र का पशु हो जाता है, फिर जब 6 महीने के बाद फिर पशु अपना जो है ना 2 दांत तोड़ता है और 4 दांत परमानेंट टीथ आ जाते हैं, फिर उसकी उम्र जो है 3 साल की हो जाती है। जब पशु 8 दांत का हो जाता है, जिसको हम फुल माउथ कहते हैं, और 8 परमानेंट टीथ की पशु की उम्र जो है पूरे 4 साल की हो जाती है। जब पशु बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो दांत गिरने लगते हैं, फिर उसके हिलके फिर गिर जाते हैं। पशुओं के खुरों की देखभाल भी बहुत जरूरी है। ज्यादा बड़े हुए खुरों को काटने या छीलने या घिसने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पशुओं को चलने फिरने में कोई तकलीफ ना हो। बड़े पशुओं में आपस में कई बार लड़ने की प्रवृत्ति होती है। सींग वाले पशु अपने को या अन्य पशुओं को चोट पहुंचा सकते हैं, इसीलिए करीब 10 से 15 दिनों की आयु में ही बछड़े या बछिया आदि के सींग दाग दिए जाते हैं। सींग के बड गर्म सलाखों से दागे जाते हैं। ये मुख्यतः खुली आवास व्यवस्था में रहने वाले पशुओं के लिए जरूरी है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए स्वस्थ पशु सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसके लिए पशुओं को नियमित रूप से नहलाना और उनकी साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। पशुओं के गोबर और मूत्र से अच्छी खाद तैयार होती है। गोबर मूत्र आदि के निपटान की भी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। गोबर खेतों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा देखा गया है कि भीषण गर्मी के दौरान दूध उत्पादन में कुछ गिरावट आ जाती है। अत्यधिक तापमान से पशुओं में बेचैनी बढ़ जाती है, जिसका सीधा प्रभाव उनकी दूध उत्पादन क्षमता पर पड़ता है।
इस स्थिति से निपटने के लिए पशु आवास में हवा के पंखों और पानी के फव्वारों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की छोटी छोटी बूंदें पशु के शरीर पर पड़ती हैं और एक परत बना लेती हैं। तेज पंखों की हवा इन बूंदों को वाष्पित करती है, जिससे ठंडक का एहसास होता है और पशु बेचैन नहीं होता। उचित दूध उत्पादन के लिए सही पशु चारे की व्यवस्था भी आवश्यक है। पशु घर में हरे चारे को काटने के लिए चारा कटाई मशीन होनी चाहिए। पशुओं को हरे चारे के साथ साथ दाना और फीड आदि भी दिया जाता है। ये अधिक दूध उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। फीड के लिए खल, जैसे सरसों की खल, सूरजमुखी की खल आदि दी जा सकती हैं। इसके अलावा गेहूं का चोकर भी खल के साथ मिलाकर दिया जा सकता है। इस मिश्रण को और अधिक पौष्टिक व स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें शीरा भी मिलाया जा सकता है। हरे चारे की कमी के दौरान गेहूं के भूसे को यूरिया से उपचारित करके भूसे के पोषक गुणों को बढ़ाया जा सकता है। भूसे में करीब 5-10% की मात्रा में यूरिया पानी में मिलाकर मिश्रित किया जा सकता है। चारे की कमी या अकाल आदि की स्थिति में यूरिया, शीरे और भूसे का मिश्रण तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा डेयरी पशुओं के लिए लवण चाटन भी आवश्यक है। इसके द्वारा पशुओं को जरूरी लवण खनिज आदि प्राप्त होते हैं, जिससे दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। आम तौर पर डेयरी पशुओं को खुला पानी दिया जाता है, यानी जब उन्हें आवश्यकता हो तब वो जाकर पानी से भरे टब या हौदियों से पर्याप्त पानी पी लें। परंतु ऐसा खुली आवास व्यवस्था में ही संभव है। पशुओं के शरीर के वजन का करीब 70% पानी होता है और दूध में लगभग 87% पानी होता है, इसलिए पशुओं को पर्याप्त स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। पशुओं के शरीर में करीब 7-10% तक पानी की कमी होने से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। पानी की पर्याप्त मात्रा न मिलने से दूध उत्पादन में भी कमी आती है। औसत चारा खाने वाले डेयरी पशुओं को करीब 27-28 लीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है और प्रत्येक आधा किलो दूध के लिए 1 लीटर पानी जरूरी होता है। गर्मियों में पानी की आवश्यकता भैंसों में करीब 55 लीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि स्वस्थ पशु और अधिक दूध उत्पादन के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त आपूर्ति रखी जाए। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सबसे पहले पशु को पशु घर से दूध उत्पादन क्षेत्र में लाया जाता है। दूध निकालने से पहले पशु को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। खास तौर पर थनों की अच्छी तरह सफाई की जाती है। इसके बाद पशु को मिल्किंग शेड यानी दूध निकालने वाले बाड़े में ले जाया जाता है। पशु को अच्छी तरह व सुविधाजनक स्थिति में नियंत्रित किया जाता है। दूध जमा करने के लिए उपयोग में आने वाली बाल्टियों को भी अच्छी तरह से धो लिया जाता है। दूध निकालने वाले व्यक्ति की भी स्वच्छता अति आवश्यक है। दूध को हाथों से या दूध निकालने वाली मशीनों से भी निकाला जाता है। दूध निकालने के बाद दूध को तौलकर उसका सैंपल लिया जाता है। उसे सूती कपड़े से छान लिया जाता है।
इसके पश्चात दूध को ठंडा करके भंडारण के लिए लाया जाता है। स्वच्छ दूध को ठंडा करने से उसे ज्यादा देर रखा जा सकता है। आज डेयरी व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। अगर हम सही विधि अपनाएं तो इस व्यवसाय से अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ देश को और भी खुशहाल बना पाएंगे।